स्टूडेंट्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आई सेल्फ सुशील सिंह साक्य। टुडे वी आर डिस्कस द लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्लास नाइन्थ, क्लास नाइन्थ फिजिक्स। चैप्टर सेकंड, लेक्चर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास नाइन फिजिक्स में सेकंड चैप्टर जो है हम लोगों का लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा कि इसमें ये जो हमारा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में क्या चीज़ हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लो कि पिछले चैप्टर में आपने जो स्टडी किया है बेटा, वो क्या चीज़ स्टडी किया हुआ है। उसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, लीनियर इक्वेशन, ये सब सारी चीज़ों को क्या किया है आपने, स्टडी किया है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपने देखा है। तो वो जो मोशन हो रहा है वो मोशन किसकी वजह से होता है, उसका रूल्स रेगुलेशन क्या होता है, उसमें हम पढ़ते हैं क्या चीज, लॉज ऑफ मोशन में। लॉज ऑफ मोशन के अंदर बेटा हम लोग पढ़ते हैं कि बॉडी मोशन कैसे करती है। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक जो होता है हम लोगों का वो होता है फोर्स का। फोर्स क्या चीज होता है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे, इस फोर्स के ऊपर बात करेंगे कि फोर्स क्या चीज होता है। जब हम फोर्स को पढ़ लेंगे तब हम देखेंगे क्या चीज लॉज ऑफ मोशन में, लॉज ऑफ मोशन में आएंगे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को हम लोग बात करेंगे क्योंकि न्यूटन्स ने कितने लॉ डिफाइन किए हुए हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे। आज फर्स्ट वीडियो में हमें सिर्फ क्या करना है कि फोर्स के बारे में स्टडी करना है कि फोर्स क्या चीज होता है। तो इंट्रोडक्शन आप फोर्स में देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन के टर्म में एक छोटी सी बात बताई है कि ऑफ फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब किसी भी बॉडी के ऊपर आप क्या करते हो, फोर्स लगाते हो। फोर्स कैसे भाई, या तो उसको ढकेल रहे हो, या तो खींच रहे हो, उसको शेप साइज चेंज कर रहे हो, तो विदाउट फोर्स तो होगा नहीं भाई। किसी व्हीकल्स के स्पीड को आप बढ़ा रहे हो तो भी वो क्या होता है, उसके लिए फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी व्हीकल्स के स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं तो भी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो हर केस में आपको फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या होता है कि अब फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग टू मेन इफेक्ट्स। इसके अंदर जब फोर्स आप बॉडी के ऊपर लगाएंगे तो आपको क्या होता है, दो टाइप्स का क्या होता है, मेन इफेक्ट देखने को मिलता है। वो पहला होता है इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी के स्टेट यानी रेस्ट को हमें चेंज करना। स्टेट का मतलब है कि स्टेट एट रेस्ट आर मोशन ऑफ बॉडी दैट कैन प्रोड्यूस द मोशन इन द बॉडी। जो क्या करता है, कोई भी बॉडी है अगर रेस्ट में है बेटा, ये जैसे समझो कि ये एक व्हीकल्स है, एक व्हीकल है, इस व्हीकल के ऊपर आप फोर्स अप्लाइड करते हो तो ये रेस्ट से किसमें आ जाएगा बेटा, रेस्ट से किसमें आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। रेस्ट से किसमें आ गया, मोशन में आ गया। तो किसकी वजह से हुआ भाई, फोर्स की वजह से। आपने क्या लगाया इसके ऊपर, फोर्स लगाया। जब फोर्स लगाते हैं तो इसका क्या होता है भाई, स्टेट चेंज हो जाता है। हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे बेटा, तब क्या होगा कि इसका जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। रेस्ट में भी आ सकता है तो भी हम स्टेट उसकी चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन को चेंज करना है तो भी हमें फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है इन सब चीजों को। तो दैट कैन प्रोड्यूस द मोशन इन द बॉडी, यह क्या करता है, बॉडी के अंदर मोशन को क्या करता है, चेंज कर, मोशन प्रोड्यूस कर देता है। दूसरी बात होती है क्या चीज,
इट कैन चेंज द साइज आर शेप ऑफ द बॉडी दैट कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ द बॉडी। मतलब क्या है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाया बेटा, देखो जैसे ये है, ये बॉडी है, एक ध्यान से समझना, ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर आपने क्या कर दिया, फोर्स अप्लाइड किया, यहाँ पे फोर्स अप्लाइड कर दिया आपने, तो ये शेप कुछ इस तरह का हो गया बेटा। देखो ये शेप कुछ इस तरह का हो गया, क्यों, क्योंकि आपने इसके ऊपर क्या कर दिया, फोर्स लगा दिया। तो फोर्स लगाने की वजह से अगर शेप साइज डायमेंशंस वगैरह क्या हो जाता है, उस बॉडी का चेंज होता है। ये दो मेन इफेक्ट देखते हैं। अच्छा सर, ये किसके ऊपर इस इफेक्ट को हमें नहीं देखने को मिलेगा, तो जब बेटा होता है रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी अगर होगी तो उसके ऊपर यह इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब रिजिड बॉडी क्या होती है भाई, तो बीच बॉडी कैन नॉट चेंज द शेप एंड साइज आफ्टर अप्लाइड द फोर्स। जब फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी के ऊपर शेप साइज चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। जस्ट लाइक आप अगर समझो कि स्टोन है बेटा, स्टोन के ऊपर अगर फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप साइज जो होता है चेंज नहीं होता है। अब तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी भाई, अब फोर्स की डिफिनीशन ध्यान से समझ लो कि फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज, ये एक बोल सकते हैं फिजिकल कॉज है, एक भौतिक कारण होता है विच चेंज आइदर साइज आर शेप आर स्टेट ऑफ रेस्ट आर मोशन ऑफ द बॉडी। जो क्या करता है, किसी भी बॉडी के मोशन रेस्ट इन सब चीजों को क्या करता है, चेंज कर देता है। वो क्या होता है भाई, शेप साइज मोशन रेस्ट इन सब चीजों को जो चेंज करने का काम करता है वो कौन होता है बेटा, फोर्स होता है। फोर्स कितनी टाइप्स का सर फोर्स होगा, फोर्स हम कैसे लगा सकते हैं बेटा, तो फोर्स देखो वेरियस टाइप्स का होता है। फोर्स को हम अलग अलग तरीके से बेटा अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग फोर टाइप्स के फोर्स के बारे में समझेंगे। देखिए फोर्स आर क्लासिफाइड फोर कैटेगरीज, हम लोग यहाँ पे बेसिक फोर्स को हम लोग फोर कैटेगरीज में क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया है। पहला है कि नंबर ऑफ फोर्स, ठीक है, नंबर ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। जब किसी बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्स अप्लाइड कर दो, देन रिजल्टेंट इज जीरो, तब उस बॉडी का रिजल्टेंट क्या होता है बेटा, जीरो मिलता है। दिस इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर लगाते हैं तो वहां पे कोई भी इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलता है, ये बात हम लोग ध्यान से समझेंगे। अब देखो बेटा ये एक बॉडी है, इसके ऊपर हमने F1 फोर्स लगाया, यहाँ पे क्या लगा दिया, F2 फोर्स लगाया। अब यहाँ पे हमने दिखाया है कि यह जो फोर्स है दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में बेटा, तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जीरो मिलेगा। नेट फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर जीरो मिला तो उसके अंदर ना ही डायमेंशन में चेंज होगा बेटा, ना ही शेप साइज में, ना ही उसके स्टेट में चेंज होता है। अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, द नंबर ऑफ मोर फोर्सेस आर एक्ट ऑन अ बॉडी। जब बहुत सारे फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगाए, दैट रिजल्टेंट इज नॉट जीरो, दैट रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो, मतलब उसका फोर्स अगर जीरो नहीं होगा बेटा तो दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। फ्रॉम फिगर में देखिए F1 F2 ये लगा। अब F1 को हमने दिखा दिया है भाई, क्या चीज है कि F1 इज ग्रेटर देन F2 है, मतलब F1 बड़ा है। अगर ये 10 न्यूटन है तो ये 5 न्यूटन है, क्या बेटा, या 10 न्यूटन ये 5 न्यूटन, तब इसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे F नेट इक्वल टू सर 10-5 बराबर 5 न्यूटन आएगा, और ये 5 न्यूटन जो होगा बेटा क्या चीज होगा, तो 5 न्यूटन जीरो नहीं है,
इसलिए यह क्या है भाई, अनबैलेंस फोर्स होता है। तो किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज करना है, उसके स्टेट में चेंज करना है, तो किसकी जरूरत पड़ती है, अनबैलेंस फोर्स की जरूरत पड़ती है। हम यहाँ लिखे देखें कि यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स चेंज द स्टेट आर शेप साइज शेप ऑफ द बॉडी। वो हमेशा क्या करता है, बॉडी के शेप साइज को क्या कर देता है बेटा, चेंज करता है। फिर आता है कि तीसरा जो फोर्स हमने लिखा है सर, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होता है बेटा, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब होता है कि जैसे ये मार्कर है, इसके ऊपर हम ढकेलेंगे, यानी इसको हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, इसके बीच में भी, हाथ और मार्कर्स के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स को, वो कॉन्टैक्ट में है ना, कॉन्टैक्ट में होने की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं क्या चीज बेटा, कॉन्टैक्ट फोर्स। बाय डेफिनेशन ध्यान से समझिएगा, अ फोर्स, द फोर्स व्हिच आर अप्लाइड ऑन अ बॉडीज बाय मेकिंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, फिजिकल कॉन्टैक्ट। जब फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब है कि दोनों बॉडी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे साइकिल चलाते हो तो पैडल मार रहे हो, तो पैडल मारते समय आपका पैर और पैडल जो होता है दोनों कांटेक्ट में होता है, तब फोर्स लगाता है। हवा में पैडल मारते रहो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। यानी कांटेक्ट आर कॉल्ड द कांटेक्ट फोर्स, तब इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कांटेक्ट फोर्स। ये देखिए एक टेबल है, ठीक है। अब टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है बेटा, इसको हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो इन दोनों के कांटेक्ट एरिया में, यह जो कांटेक्ट एरिया है यहाँ पे क्या लगता है भाई, अप्लाइड फोर्स लगता है। यहाँ पे एक अलग से फोर्स लगा, जिस फोर्स का नाम देते हैं क्या चीज भाई, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स फॉर एग्जांपल में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका ये, आपने एक रस्सी को बांध दिया, रस्सी से बांध कर एक फोर्स लगा दिया भाई, ये आपका होता है टेंशन फोर्स। ये भी कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि रस्सी से आपने ऑब्जेक्ट को बांधा है, तो बांधने की वजह से फोर्स लग रहा है, इसलिए वो क्या है बेटा, कॉन्टैक्ट फोर्स है। यहाँ पे देखिए फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब होता है बेटा, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है और ये क्या करेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्या चीज, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। टेंशन फोर्स हमने यहाँ पे बताया कि ये जब किसी भी बॉडी को रस्सी से बांध कर आपने क्या किया, कि अ बॉडी सस्पेंड बाय अ स्ट्रिंग दैट डेवलप द टेंशन इन द स्ट्रिंग, मींस टेंशन जो है बेटा वो क्या चीज है, आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है। फिर आता है बेटा क्या चीज, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है बेटा, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी इवन विदाउट बीइंग अ फिजिकल टच। मतलब जब दो बॉडी फिजिकल टच में नहीं हो लेकिन उसके अंदर क्या लग रहा बेटा, फोर्स लग रहा हो, तब क्या होता है कि कॉल्ड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको हम लोग कहते हैं कि वो क्या भी हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। और वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। कैसे बेटा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी है, ठीक है, जैसे ये मान लो सन है, ये तुम्हारा अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ और सन दोनों तो कांटेक्ट में नहीं है बेटा, लेकिन इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। जैसे दो मैग्नेट आपने लिया, ठीक है, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, इधर हो गया भाई क्या चीज, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब इसके बीच में फोर्स लग रहा है, दोनों दूर दूर रख रहे हैं लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या कर रहा है बेटा, फोर्स लग रहा है। हमने इसको सम डिस्टेंस पे सेपरेट किया लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाइड कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई मीडियम नहीं है लेकिन फिर भी इसके अंदर फोर्स लगता है, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा उसको, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, जय हिंद।